नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ फौजी गेम के बारे में। बेसिकली फौजी गेम की कुछ इनिशियल रेटिंग्स निकल करके आई थी जब गेम लॉन्च हुआ था 26 जनवरी को। उस टाइम पे गेम की रेटिंग सब कुछ ठीक चल रही थी, डाउनलोड्स भी बहुत बढ़िया चल रहे थे और लोगों को गेम पसंद भी आ रही थी। लेकिन जब एक्चुअल में लोगों ने गेम को खेला तो भाई लोगों को गेम पसंद नहीं आई। स्पेशली पबजी वाले प्लेयर्स को, जो पबजी खेला करते थे, उन्हें तो गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्योंकि पबजी से अगर कंपेयर करें फौजी को, वैसे करना नहीं चाहिए क्योंकि गेम का पूरा कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन क्योंकि नाम काफ़ी सिमिलर है। और एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी चाहिए, जिस दिन पबजी बैन हुई थी उसके अगले दिन से ही फौजी को टीज करना स्टार्ट कर दिया था कि एक इंडियन गेम आ रही है, तगड़ी गेम आ रही है, इंडियन गेम सबको पीछे छोड़ेगी और आपको इंडियन गेम को सपोर्ट करना चाहिए। और नाम भी काफ़ी सिमिलर था तो लोगों को लगा कि फौजी पबजी की जगह लेगी और बेसिकली पबजी जैसी ही गेम होगी और आपको बैटल रॉयल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा फौजी में। ऐसा कुछ भी नहीं मिला, एक ही मोड अवेलेबल था, बाकी के दो मोड तो आए ही नहीं गेम में। और कब आएंगे उसकी भी कोई रिलीज़ डेट एक्सपेक्टेड नहीं है, ना ही फौजी वालों ने बताई है। काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें भी। लेकिन पता है मज़ा कहाँ पे स्टार्ट हुआ, जब अभी पबजी प्लेयर्स ने फौजी खेली और उन्हें पसंद नहीं आई, ऑब्वियस सी बात है, तब उन्होंने प्ले स्टोर पे जाके रेटिंग देना स्टार्ट करी फौजी गेम को। सब लोगों ने एक स्टार दिया है भाई। जब गेम की इनिशियल रेटिंग 4.6-4.7 थी, उससे गिरकर 3.1 हो गई है। करेंटली फौजी गेम की रेटिंग काफ़ी डाउन है, लेकिन क्योंकि गेम बहुत ज़्यादा डाउनलोड किया गया है एकदम मास वॉल्यूम में, इस वजह से अभी भी टॉप फ्री एंड्रॉयड गेम्स की लिस्ट में नंबर 1 पर टिका हुआ है और अभी रहेगा कुछ दिन तक, जब तक कोई और गेम नहीं आ जाता या फिर रेटिंग और ज़्यादा डाउन नहीं होती। वैसे मुझे लगता है जब इतनी ज़्यादा बल्क में नेगेटिव रेटिंग्स मिलती हैं प्ले स्टोर पर किसी भी ऐप को या गेम्स को, तो प्ले स्टोर क्या समझता है, उस नेगेटिव रेटिंग्स को बेसिकली स्पैम समझता है, तो नेगेटिव रेटिंग्स वहाँ से हटा देता है। सेम टिकटॉक के साथ सीन हुआ था, जब टिकटॉक को बहुत ज़्यादा नेगेटिव रेटिंग्स मिली थी तो कुछ टाइम बाद वो नेगेटिव रेटिंग्स हट गई थी, वो जो स्पैम कॉमेंट्स थे वो डिलीट हो गए थे और रेटिंग्स एप्लीकेशन की बढ़ गई थी। सेम ऐसा ही होगा यहाँ पर भी मुझे लगता है। लेकिन यार लोग गुस्सा तो हैं, सच में फौजी से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि यार फौजी ढंग से ऑप्टिमाइज भी नहीं है गेम कई एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे एक फ्रेंड है, उनके पास गैलेक्सी फोल्ड 2 है, तो भाई उनके फ़ोन पे तो फौजी हैंग हो जाती है, मतलब 1.5 लाख रुपए के फ़ोन पे फौजी हैंग हो रही है। क्यों? क्योंकि फ़ोन का फॉर्म फैक्टर अलग है, जब डिस्प्ले खोलोगे तो फ़ोन टैबलेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो फॉर्म फैक्टर न्यू है गेम के लिए, नॉर्मल स्मार्टफोन वाला फॉर्म फैक्टर नहीं है। और स्पेक्स तो भाई उस फ़ोन के एकदम हाई एंड है, तो स्पेक्स वाइज तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन गेम हैंग होता है, तो ये दिक्कत वाली बात है। गेम को ढंग से ऑप्टिमाइज़ नहीं कराया गया है और लोगों को थोड़े टाइम बाद खेलने के बाद मज़ा सा नहीं आता है। एक चीज़ और मुझे काफ़ी दिक्कत लगी इस गेम में, वो ये कि इस गेम को काफ़ी बच्चों की तरह प्रोग्राम किया गया है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में अगर आप इस गेम को खेलोगे, स्टार्टिंग में जब एनिमीज आते हैं आपको मारते ही नहीं है। ये क्या बात हुई भाई, मतलब नहीं मारते बिल्कुल भी, चाहे उनके आसपास घूम लो, उन्हें मार लो, लेकिन वो आपको नहीं मारते। उसके बाद थोड़ा आगे जाओगे तब मारते हैं और तब मारते ही रहते हैं, मतलब कोई समझ नहीं आया कि किस तरीके से गेम को प्रोग्राम किया है। गेम बहुत बच्चों की तरह बनाई गई, जैसे मारी वो आती थी, कॉन्ट्रा आती थी उस तरीके की। एक चीज़ और मुझे थोड़ी सी दिक्कत वाली लगी कि फौजी गेम के ग्राफिक्स इनिशियली तो आपको ठीक लगेंगे अगर इसको कंपेयर ना करो पबजी से, तो अगर कंपेयर करोगे पबजी से तो दिक्कत वाली बात है भाई। पबजी में एक एक चीज़ पे डिटेलिंग में काम किया जाता था, अगर एक बुलेट भी पड़ी है ना रोड पर तो उस बुलेट को भी जूम करके देखोगे तो उस पर भी डिटेलिंग में काम किया हुआ था, उस पर भी सारी चीज़ें आपको लिखी हुई दिखती थी, तो वो होती है गेम की डिटेलिंग। लेकिन नहीं, फौजी में कोई डिटेलिंग नहीं है। और एक दिक्कत वाली बात पता है क्या है, फौजी में कंट्रोल्स बहुत कम है, मतलब आप आगे चल सकते हो, कैमरा घुमा सकते हो, बस घुसे घुसे मार सकते हो, शील्ड बना सकते हो पास, इसके अलावा ना उछल सकते हो, ना लेट सकते हो, ना बैठ सकते हो, ना भाग सकते हो अलग अलग स्पीड्स के अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ काफ़ी दिक्कत वाली मुझे लगी फौजी गेम में। और अभी भी वेपन्स का तो कोई आप यूज़ कर नहीं सकते हो, सिर्फ आपको डंडे मिलते हैं, मतलब अलग अलग नाम दिए हुए हैं, तो वही सारी चीज़ें आपको मिलते हैं वेपन्स के नाम पे जिनसे आप लड़ सकते हो, अपने एनिमीज़ को मार सकते हो। तो गेम को अगर थोड़ा और टाइम ले करके बनाया जाता तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर बनती, बट स्टिल काफ़ी टाइम मिल गया था फौजी को, क्योंकि जब पबजी बैन हुई थी सितंबर के आसपास, उसके अगले दिन से फौजी को टीज करना स्टार्ट किया था और गेम लॉन्च हुई जनवरी में,
वो भी जनवरी के एंड में, 26th of January। तो भाई हाइप के चक्कर में ना गेम की ऐसी तैसी कर दी है। अब मुझे लगता है या तो फौजी में बहुत जल्दी कोई अपडेट आना चाहिए, क्योंकि दो मोड अभी भी लॉक्ड है। हमें पता नहीं है कि वो दो मोड किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि एक TDM मोड भी है और एक ऑनलाइन मोड होने वाला है उसमें। अगर उन दो मोड में फौजी अच्छी चल गई, ज़्यादा कंट्रोल्स वगैरह हमें देखने को मिल गए, तो शायद लोगों को पसंद आ जाए गेम। अदरवाइज़ अभी के लिए तो भाई लोग स्पेशली पबजी के प्लेयर्स जो पबजी खेला करते थे, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रेटिंग दे रहे हैं फौजी को, जो कि एक्सपेक्टेड है, जो कि ठीक है, एक्सेप्टेबल है। आप लोग मुझे बताना आपने फौजी को क्या रेट किया और खेला या नहीं खेला, और पसंद आई या नहीं पसंद आई। बाकी पबजी की बात करूँ तो यार पबजी मोबाइल इंडिया अभी कोई भरोसा नहीं है कब तक आ जाए, क्योंकि MEITY ने कोई गारंटी नहीं दी है, कोई परमिशन नहीं दी है, कोई अनुमति नहीं दी है गेम को वापस आने की। तो ये भी दिक्कत वाली बात है, गवर्नमेंट आने ही नहीं देना चाहती है पबजी मोबाइल इंडिया को, वापस लॉन्च होने ही नहीं देना चाहती है। पबजी मोबाइल को बैन कर दिया था, उसके बाद पबजी मोबाइल इंडिया नाम से दूसरी एप्लीकेशन आ रही थी, तो भाई उसे भी नहीं लॉन्च होने दे रहे। मतलब ये तो स्पेशली इंडिया के लिए बनाई है ना, इसमें तो सर्वर्स वगैरह अलग है ना, उसमें चाइनीज़ सर्वर थे, इसमें शायद चाइनीज़ सर्वर नहीं है, क्योंकि इसी वजह से तो गेम को दोबारा इंडिया के लिए लॉन्च कर रहे हैं। जब पबजी मोबाइल बैन हुई थी उसका मेन रीज़न यही था कि जो हमारा डेटा है वो चाइनीज सर्वर्स पर जाता है, वहाँ से रिट्रीव होता है, तो इस वजह से गेम को बैन कर दिया गया था, क्योंकि टेंसेंट के साथ जुड़ी हुई थी, टेंसेंट एक चाइनीज़ कंपनी है और पूरे सर्वर्स चाइनीज़ थे। लेकिन पबजी मोबाइल इंडिया जो दोबारा लॉन्च होने वाली है उसमें चाइनीज़ सर्वर्स का यूज़ नहीं हो रहा है। इसी शर्त पे तो पबजी मोबाइल इंडिया को बनाया गया है, ताकि चाइनीज़ सर्वर्स ना यूज़ हों और इंडियंस के लिए स्पेशली ये गेम रहे, इंडियंस के लिए एक अलग वर्जन रहे, अलग सर्वर रहे पूरा। बट वो गेम को भी अभी आने नहीं दे रही है गवर्नमेंट, तो दिक्कत वाली बात है। तो देख लेंगे पबजी मोबाइल इंडिया कब आ जाएगी वापस। फिलहाल के लिए यही न्यूज़ है भाई। आई होप आप सभी को वीडियो सही लगी होगी। वीडियो सही लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं आप सभी के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।